नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है। सुर्खी विधानसभा की 1114 वृद्ध निःशक्त जन के लिए शुरू हुए पोस्टल मतदान में बड़ा खेल उजागर हुआ। निर्वाचन कार्यालय के अमले के साथ भाजपा कार्यकर्ता खुद अपने हाथों से वोट डाल रहे हैं। वोट बांटने की वीडियो के बाद अब वोट लूट का वीडियो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें दिख रहा है कि युवक भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने इस वीडियो की पुष्टि की है। साथ ही सागर जिले निर्वाचन अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। इस बार निर्वाचन आयोग ने निःशक्त जनों और वृद्धों के लिए घर बैठे मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके तहत आवेदन करने पर निर्वाचन आयोग के कर्मचारी उक्त निःशक्त जन या वृद्ध के घर जाकर निर्वाचन प्रक्रिया के फॉर्म भरवाकर उससे गुप्त मतदान करा रहे हैं। उसका मतपत्र लिफाफे में सील कर पेटी में रखकर स्ट्रांग रूम में जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि इस प्रक्रिया की जानकारी दोनों ही दलों के पदाधिकारी को दी गई थी, लेकिन इस तरह की वीडियो की कोई लिखित शिकायत अभी नहीं आई है। शिकायत आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सत्ता पक्ष के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पूरी तरह मिला हुआ है, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय द्वारा और जिला कांग्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी गई है। शिकायत में मांग की गई कि सागर के जिला निर्वाचन अधिकारी को सागर से तत्काल हटाया जाए और ईमानदार अधिकारियों की स्थापना की जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। गौरतलब है कि चुनाव में लगातार वायरल वीडियो आ रहे हैं। वोट की लूट के पहले सुर्खी से ही वोट बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भी कांग्रेस के निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। सर, जो इस बार उपचुनाव में निःशक्त जन और वृद्ध जनों के लिए जो मतपत्र से वोटिंग हुई थी, इसकी प्रोसेस क्या है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये प्रावधान अभी किए गए हैं कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति एवं दिव्यांग व्यक्ति अगर वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत देना चाहते हैं तो वो फॉर्म 12D में अपना आवेदन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे। सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव में लगभग 4400 इस तरह के मतदाता थे जिन्हें BLO के द्वारा फॉर्म 12D दिया गया था। इनमें से लगभग 1100 वोटर्स ने इस आशय का आवेदन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को दिया था कि वे पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालना चाहते हैं। इसके लिए सुर्खी विधानसभा में जो 30 सेक्टर हैं, प्रत्येक सेक्टर के लिए 2 मतदान अधिकारी, 1 सुरक्षाकर्मी और 1 वीडियोग्राफर की तैनाती की गई है। ये लोग फॉर्म 13A, 13B और 13C तीन प्रकार के फॉर्म और बैलेट लेकर प्रत्येक जो मतदाता हैं उनके घर पर जाते हैं। मतदाता को पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है और उसके बाद उनका मतदान उनके घर पे ही कराया जाकर जो बैलेट पेपर आयोग को की गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ इस जिले के निर्वाचन आयोग से, मध्य प्रदेश को देश के निर्वाचन आयोग से, कि यहाँ निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव नहीं हो पा रहा है। सत्तारूढ़ दल के लोग इसमें सरेआम धांधलशाही कर रहे हैं, जिसको रोकने के उपाय किए जाएं। अगर यह नहीं रोक पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि इस मामले में निर्वाचन में लगी प्रशासनिक एजेंसी मिल चुकी है, जिससे अब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने की हमें उम्मीद नहीं रह गई है। भारत निर्वाचन आयोग से हमारी मांग है कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी इस निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई, उन्हें अन्यत्र रखकर ईमानदार लोगों को तैनात किया जाए।